देखें, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में चार और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो लड़कियां और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां पे अब क्या कि कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हम यूज करेंगे। 20% ज्यादा था भैया तो हम क्या मानेंगे, लड़के 100 थे लड़की, 20% ज्यादा मतलब 120, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो गया 220। देखिए प्रतिशत की मास में ये मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो 100 + 120 = 220। अब 220 बराबर, लेकिन हकीकत में बोलता है 66 विद्यार्थी है, तो 220 अगर 66 विद्यार्थी है तो 100 बराबर क्या होगा, क्योंकि 100 अपने लड़के की संख्या मांगा है, तो 66/220 × 100। ये तो वैकिक नियम अब बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। तो बराबर 30। ये 30 क्या बता रहा है, ये 100 आपने किसका क्या माना था, लड़का माना था, ये तो 30 क्या है, लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी होगी, 36, तो दोनों मिला के थे, तो आपका ये 66 दोनों मिला के थे, तो 30 लड़के हैं तो 36 लड़कियां होगी। अब बोलता है उस क्लास में चार लड़के लड़कियां और आ गई, तो 36 के साथ और चार जुड़ गया, तो कितना हो गया 40। तो अब लड़के की संख्या कितनी है, 30 है, लड़की की संख्या कितनी है, 40 है, तो 30:40 = 3:4। तो देखिए इस मैथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने एक्स नहीं लिया इसमें। हमने क्या किया कि चलो लड़का हमने 100% है, क्या कि 20% अगर लड़कियां ज्यादा है तो फिर मतलब लड़के की संख्या 100 होगा, तो इसके लिए 100 लिया प्लस 120 लिया, तो दोनों को जोड़ दिया तो 220। लेकिन बोलता है क्या 66 विद्यार्थी है, मतलब मेरा 220 ओरिजिनली 66 है, तो मेरा 100 जो मैंने लिया है वो ओरिजिनल क्या होगा, वही निकालना होगा जो ओरिजिनल कितने लड़के हैं। तो 220 = 66, 1 = क्या होगा 66/220, तो 100 = कितना होगा 30। और ये 100 किसको संबोधन कर रहा है, लड़के को, क्यों, क्योंकि हमने लड़के को 100 लिया है, उसी के हिसाब से 20% ज्यादा मतलब 120 लिया है, लड़की लिया है, तब जाके 220 बना था। अब देखिए 30 हमें लड़के मिल गए, और बोलता है कि स्टूडेंट की संख्या 66 है, तो नेचुरली लड़के की संख्या हमने घटा दिया तो हमें आ गया 36। अब बोलता है चार लड़कियां और भर्ती होती है, तो 36 के साथ चार जोड़ दिया तो 40 हुआ, तो रेशियो क्या होगा 30:40। वेरी सिंपल। लेकिन आगे मत बढ़ना दोस्त, आज के लिए यही आखिरी है, लेकिन आप इसे जरूर 3 से 4 बार करके तब आगे बढ़ेंगे।